थोड़ा लाइट कट चुका था इसीलिए मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए ग्राउंड का जो है ना, ये इधर पीप मोड पे है मेरा, बजर हो रहा है इसका जो वॉल्यूम, अब प्लस वाला है ना वर्क नहीं कर रहा है, इसका वॉल्यूम प्लस से कोई सप्लाई नहीं मिल पा रही है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये इसका कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, ग्राउंड पर भी सप्लाई नहीं आ रहा है, बट ग्राउंड ये वॉल्यूम डाउन पर भी कोई सप्लाई नहीं मिल पा रही है, बट वॉल्यूम डाउन काम कर रही है। पावर की ठीक है, इस पर सप्लाई मिल रही है, ये काम कर रही है, वॉल्यूम डाउन भी काम कर रही है, वॉल्यूम डाउन काम, बट वॉल्यूम प्लस काम नहीं कर रहा है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, ये वाटर डैमेज था फ़ोन, उसका ऑटोमेटिक वॉल्यूम बटन काम कर रहा था, तो जब हम खोलें फ़ोन तो फ़ोन में बहुत सारा कंपोनेंट वगैरह शॉर्ट हो चुका था, तो मैंने सबको रिपेयर करा। उसके बाद जब फ़ोन लगाने लगा, चेक करा, तो वॉल्यूम बटन काम, प्लस बटन काम नहीं कर रहा था। जब मैंने इसका सप्लाई चेक करा, सप्लाई मिसिंग था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सप्लाई जो आता है, यहाँ कैपेसिटर दिख रहा है आप लोगों को, इस वाले कैपेसिटर से इसका यहाँ ग्राउंड, ये वॉल्यूम डाउन का आता है सप्लाई। यहाँ से चेक करा दो आपको, यहाँ देख लो, मल्टीमीटर देख सकते हो आप लोग, यहाँ आ रहा है, यहाँ सप्लाई आ रहा है इसका, यहाँ सप्लाई आ रहा है, और वॉल्यूम प्लस का जो होता है इस कैपेसिटर रजिस्टर पे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जम्पर मारने से वॉल्यूम प्लस का ये सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ लाइव। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को लाइव करके, मैं आप लोगों को चेक करने के लिए इतना बड़ा वायर दे रहा हूँ, बट इतना बड़ा वायर नहीं देना चाहिए, मैं आप लोगों को संतुष्टि के लिए दिखा दे रहा हूँ। मैंने जम्पर कर दिया फ़ोन को, चलिए ऑन करते हैं, जब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। वीडियो तो पॉज नहीं हो रहा है, बट मैं आपको फ़ोन को ऑन करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये रहा इसका डिस्प्ले, मैं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी बैटरी। तो चलिए मैं डीसी पावर पे ऑन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब देख सकते हैं वही बोर्ड है, उसी के मैंने उसी में ये डिस्प्ले लगा रखा है, मैं फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैं फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए फ़ोन ऑन हो गया है, अब मैं आपको वॉल्यूम बटन चेक करा देता हूँ। थोड़ा सा सैमसंग का फ़ोन है, ऑन होने में टाइम लेता है, ऑन तो हो रहा है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ वॉल्यूम बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैं जो जियो फ़ोन की बात कर रहा था, वो डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑटोमेटिक जो बना रहा है, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा एक रोलिंग के बाद, मैं उसका वीडियो एडिट कर रहा हूँ, काम पे लगा हूँ, वो भी पोस्ट कर दूँगा मैं एक दो दिन में। उसका जो डायग्नोस्टिक पोर्ट होता है वो ऑटोमेटिक लेता है, जबकि फ़ोन सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो फिर मैंने उसका आइडियल पॉइंट, टेस्टेड पॉइंट जो होता है कॉलकॉम वाले फ़ोनों की, मैंने उसको ढूंढ के निकाला है। सो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, उस तरीके ग्राउंड से शॉर्ट हो गया था।
करता जब तक मैं इसको, चलो जम्पर कर दिया, फ़ोन ऑन हो रहा है। थोड़ा तो टाइम लेता है, सैमसंग का फ़ोन है तो आप लोगों को पता ही है। अब देखिए फ़ोन तो बिल्कुल ऑन हो गया, इसका ये लॉक था, मैं आपको दिखा रहा हूँ वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन देख लो इसका। इस पर सप्लाई नहीं बन पा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही थी, पर वॉल्यूम डाउन वर्क कर रहा है मेरा, प्लस वॉल्यूम प्लस भी काम कर रहा है देख लो, जबकि पहले काम नहीं कर रहा था। मैंने यहाँ से जम्पर करा, वॉल्यूम प्लस भी काम करने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पे टुडे रिपेयर, चैनल को रिपेयर कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए जरूर अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।